इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। आज तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएंगे चूही। लाइट कैसे चली गई? हेलो विनोद भैया। हाँ निकल चुके हैं, कल तक पहुंच जाएंगे, बस का वेट कर रहे हैं। जी भैया ठीक है। अरे आंटी हम पकड़ लेते हैं, रुकिए रुकिए। कहाँ तक जाना है आपको? बस यही सामने तक। अच्छा अच्छा, लाइए लाइए लाइए। थैंक यू। चलिए। शुक्रिया बेटा, तुमने काफी मदद कर दी, वरना आजकल कौन करता है इतनी मदद किसी की। ठीक है आंटी, हम चलते हैं। हाँ आंटी। हाँ एक ग्लास पानी मिल जाएगा? अरे हाँ हाँ बेटा, रुको ना मैं अभी लाई, रुको। हाँ फोन के लिए थैंक यू आंटी, आपने तो लाइफ बना दी। अरे बद्री बद्री। अरे विनोद भैया प्रणाम। चलो आओ। जी और सब ठीक? अरे चाचा देखो, हमारा छोटा भाई बद्री आज से हमारी जगह यही काम करेगा। चाचा प्रणाम। जीते रहो, अच्छे से काम करना और समझ के करना। चलो तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ, यह है तुम्हारा कमरा, देख लो। देखो और सब सोसाइटी विथ रहनी है यहाँ का माहौल, यहाँ काम करना पड़ता है, नियम कानून बड़े सख्त है यहाँ के। देखो तुम मन लगा के काम कर, बिना जाँच पड़ताल के सेक्रेटरी साहब मान गए हैं और तुम्हें हमारी जगह काम पे रख लिया है। अरे बद्री ये क्या है, हम तुमसे कुछ कह रहे हैं और तुम दो रुपल्ली के मोबाइल में लगे पड़े हो। अरे भैया दो रुपल्ली का थोड़ी है, 15,000 का लिए हैं एकदम नया। तुम्हारे पे इतने पैसे आए कहाँ से? अरे वो भैया हमने तो कमाए हैं, इकट्ठे किए हैं और तब लिया हमने ये। अरे देखो तुम तो जानते ही हो, तुम्हारी भाभी पेट से है और आखिरी दिन चल रहे हैं, इसलिए हम तुम्हें गाँव से बुलाए हैं। देखो कोई लफड़ा मत कर देना। और मनोज भैया बताए थे कि पिछली बिल्डिंग में तुमने कुछ लफड़ा कर दिया था, बात पुलिस तक पहुंच गई थी। अरे भैया आप भी किन लोगों की बातों में आ रहे हो, एक नंबर का शराबी है वो। उल्टा मनोज भैया का काम हम करते थे और अगर हम कुछ किए होते तो पुलिसिया हमको छोड़ थोड़ी देती। अरे ठीक है अब शांत रहो। हाँ शराबी है एकदम वो। देखो हमारे पाल चाचा है ये, हमारे चाचा बुजुर्ग है हमारे। अच्छा आपके चाचा है तो हमारे भी चाचा है। चाचा मूछे एकदम जोरदार रखी आपने, एकदम कातिल। अरे विनोद बचुआ इका समझा दियो ना, हमका केस का बहुत दिक्कत रहता है। हाँ हाँ चाचा बता दिए हैं। देखो बद्री चाचा दिन रात की ड्यूटी करते हैं और ऊपर से गैस की बीमारी भी है इन्हें, बस इनका ख्याल रखना, आते जाते देख जाना। क्यों चाचा ठीक है ना? चाचा आप टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत ना है, आपका भतीजा आ गया सब संभाल लेगा। अरे विनोद तुम तो जा रहे थे ना? जी सर जी, ये हमारा छोटा भाई बद्री है, आज से हमारी जगह यही काम करेगा। बद्री ये बिल्डिंग के सेक्रेटरी साहब हैं, प्रणाम करो इन्हें। मालिक चरण स्पर्श मालिक। नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं मालिक आप तो हमारे अन्नदाता हैं, आपके द्वारा हमको सैलरी मिलती है, हमारा घर बार चलता है। मालिक हमारी संस्कृति में हमको यही सिखाया गया है कि बड़े लोगों का हमेशा सम्मान करना चाहिए।
विनोद लड़का तो सही लग रहा है मुझे, तुमने सारा काम समझाया है। जी सर जी, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैडम एंट्री कर दीजिए। ये मेरे रिलेटिव हैं। कोई बात नहीं मैडम, सेक्रेटरी साहब हैं तो एंट्री कर दीजिए प्लीज। ओके। जुही, ये कौन है? ये मेरे कजन है, 10-12 दिन के लिए आए हैं। नमस्ते। ठीक है जाओ तुम। अरे बद्री, कहाँ है नजर तुम्हारी? नहीं भैया, चलो चलो, नहीं काम में लग जाओ समझे। बिल्डिंग के सारे फ्लैटों को कचरा बाहर निकालो, मेरी ट्रेन का वक्त हो गया, मैं जा रहा हूँ। चलो बैग दो जरा। भैया भाभी का ख्याल रखिएगा। बैग। और हाँ, जाते ही हमको खुशखबरी दीजिएगा। हाँ, और काम ईमानदारी से करना। चलो। जी भैया। हाँ बोलो। एक्सक्यूज मी, क्या काम है? जी वो कचरा ले लिया ना। वो मैडम जी, हम नए आए हैं तो हम हर घर के डोरबेल बजाकर पूछ रहे हैं। मैं कचरा रोज बाहर ही रखती हूँ, तुम बाहर से ले जाया करो। ओके। हम तो आपके बहुत जल्दी घर पर आने वाले हैं, आपके बहुत पास। यहाँ बाहर रहने थोड़ी आए हम। अरे पाल चाचा, कोई डंडा वंडा है क्या 8-10 फुट का? का रे, तो है का काम वो डंडे से? अरे चाचा, मकड़ी के जाले वाले लग गए हैं बिल्डिंग में, साफ करने देखो। समझे कि नहीं? सही कह रहा है। वो उधर पीछे मीटर है ना, वो बिजली का मीटर लगा है, वहां रखा है एक डंडा। बद्री, ये क्या कर रहे हो? साहब जी वो जाले साफ कर रहे थे, जाले बहुत हो गए हैं। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। मैडम जी, आपके कपड़े। ओ हाँ, बालकनी से गिर गया होगा। थैंक यू। मैडम जी, हमारा नाम बद्री है, आपको कुछ भी काम हुआ करे हमें बुला लिया करें। हम इलेक्ट्रीशियन,
प्लम्बर, साफ सफाई सब कर लेते हैं, हम ऑलराउंडर हैं हम। क्या हुआ डार्लिंग, कौन है? अरे वो बिल्डिंग का केयर टेकर है। ओके थैंक यू। मैडम जी थोड़ा पानी मिल जाएगा बॉटल में? हाँ अभी लेकर आती हूँ। जी ये लो। तुम्हारे हाथ की खुशबू है इसमें जूही जी, हम तुम्हारे शाहरुख हैं, बस तुम्हारे और सनी का कुछ करना पड़ेगा, जरूर करेंगे, तब तक इससे ही काम चलाते हैं। चलो देखते हैं जूही जी क्या कर रही हैं। सुहम छोड़ो ना, ये कोई टाइम नहीं है रोमांस करने का। अरे मैडम रोमांस करने का ना कोई टाइम नहीं होता, जब मौका मिले चांस मार लेना चाहिए। बेबी सब्जी जल जाएगी, थोड़ा सा वेट कर लो क्योंकि तुम भी यहीं हो और मैं भी यहीं हूँ। नहीं हो रहा मुझसे वेट, चलो। अरे चलो क्या कर रहे हो सुहम? चलो क्या बात है, बहुत रोमांटिक लग रहे हो आज। I love you, Joey. I love you too, baby. प्यार तो हम तुमसे करेंगे जूही, किसी और को करने भी नहीं देंगे। हमारे जैसा दीवाना तुम्हारा कहीं नहीं, और तुम्हारा किसी और के साथ इश्क मुमकिन नहीं। ये लाइट ये हमेशा जाती है यहाँ पर? नहीं पहली बार गई है। तुम रुको मैं देख कर आती हूँ। मैं देख कर आता हूँ, तुम बैठो। नहीं तुम्हारे आने से प्रॉब्लम हो सकती है, तुम यहीं रुको, ये थोड़ी कंजर्वेटिव सोसाइटी है। ठीक है ठीक है मैं देख कर आती हूँ। कमाल है, हर जगह लाइट है और हमारे ही घर में लाइट नहीं है। इसमें से कौन सा स्विच है? तुम यहां क्या कर रहे हो?
पागल हो क्या? नहीं जूही, छोड़ो मुझे। हम पागल नहीं है, हम तो आपके आशिक हैं। अरे थोड़ा थोड़ा सा प्यार कर दे दीजिए, जैसे आपका सनी कर रहा था आपको। क्या बकवास कर रहे हो तुम? थोड़ा सा प्यार कर दे दीजिए हम आपको। जूही जी, जूही जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जूही जी, हम यहाँ नहीं होंगे तो और कहाँ होंगे? हम यहीं के लिए तो रखे गए हैं, आपकी सेवा के लिए। पूरी बिल्डिंग में लाइट है, हमारे ही फ्लोर पे लाइट क्यों नहीं है? ऐसा कभी नहीं हुआ है। लाइए, हम देख लेते हैं। सर, आप टॉर्च दिखाइए। आपका फ्लैट नंबर क्या है? 103। अच्छा, ये बटन बंद था। कैसे? अब ये हमें कहाँ मालूम मैडम जी। आप एक काम कीजिए, हमारा नंबर लिख लीजिए। हाँ, जब भी कोई परेशानी हो तो कॉल कर लीजिएगा। नंबर बोलो। 6 3 4 10 10 हो गए। जूही, क्या हो गया? जूही, इतनी देर क्यों लगा दी? वो इसी में ही कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन अब ठीक हो गई। ठीक है, चलो। जूही जी, ये आपके पति हैं क्या? क्यों, तू क्यों पूछ रहा है सब? नहीं, हम तो बस ऐसे ही पूछे कि आप दोनों को साथ में रहते हुए देखा तो। तू अपने काम से काम रख, ठीक है? अरे तो हमने कुछ गलत थोड़े ही कहा, मैं तो बस पूछा आपसे। तू कौन होता है ये सब कुछ पूछने वाला है? अरे आप इतना अकड़ कह रहे हो। ए, तू ना अपनी औकात में रहना, समझा? वरना तेरे अंदर जितनी भी गर्मी है सारी की सारी यहीं पर निकाल दूंगा और ठंडा कर दूंगा तुझे। सोहम, ये क्या कर रहे हो तुम? वो बेचारा मेरी हेल्प कर रहा है और तुम उसी पे ही बरस पड़े। चलो चलो। जूही जी, आपका सनी हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। अब देखते हैं कौन किसकी गर्मी निकालता है। हमारा घर हो, ऑफिस हो या बिल्डिंग, कोई भी कर्मचारी को जब हम काम पर नियुक्त करते हैं तो हमें उनकी पूरी तरह जांच पड़ताल करके उन्हें रखना चाहिए। लेकिन यहां सबसे पहले गलती बिल्डिंग के सेक्रेटरी से हो गई। उन्होंने बद्री से बिना कुछ पूछे, बिना कोई उसकी आईडी या पहचान पत्र देखे उसे नौकरी पर रख लिया, और उनकी ये छोटी सी भूल भविष्य में एक बड़ा जुर्म बनकर सामने आने वाली थी। क्या होगा वो जुर्म और कौन बनेगा उसका शिकार? ये क्या हो गया? गाड़ी के टायर किसने पंचर किए? ए कुत्ता, ए भाग साला, छोड़ेंगे नहीं, भाग। ए जी साहब जी, सिक्योरिटी वाला कहां पर है? वो चचा जरा बाथरूम गए हैं, आप हमें बताइए क्या बात है। ये क्या चल रहा है ये सब? साहब जी, वो बिल्डिंग में है ना, बहुत कुत्ता उत्ता बहुत हो गए हैं, उसी को ढूंढ रहे थे, मार के भगाएंगे उसको हम। कहाँ है, मुझे तो नहीं दिख रहा कोई कुत्ता। साहब, वो कुत्ता है ना, थोड़ा सातिर है, सबको दिखाई नहीं देता, सोचता है कि उसका इलाका है, पर साहब इलाका तो हमारा है ना साहब, ऐसे थोड़ी ना कोई बाहर का कुत्ता आके मुंह मारेगा और हम देखते रहेंगे, मार के भगाएंगे। तो तू ये बोलना चाहता है कि इन कुत्तों ने मेरी गाड़ी के सारे टायर पंचर किए? सब हमें क्या पता कुत्तों ने किए, तूने किया ना ये सब? सब अब ये कैसा इल्जाम लगा रहे हैं आप हम पे साहब? आप पैसे देते हैं, हमारा घर चलता है, हम क्यों करेंगे साहब? ये काम करने आए हैं हम तो। जूही मेरी जूही, हमेशा रूप तेरे तमन्ना करते पूरी। शाहरुख कब से वेट कर रहा है तुम्हारा? हे जूही, दीवाने को इतना तड़पाया नहीं जाता, नहीं जाता। मेरी जान, मेरी जूही, कब से इंतजार कर रहा है तेरा शाहरुख?
देखा, तुम्हारे फोन ने तो मुझे संभाल लिया, वरना मैं गिर ही जाता। जी मैडम। हाँ बद्री, बद्री जरा ऊपर आना। जी मैडम। आओ अंदर आओ। अचानक पानी कैसे बंद हो गया देखो। अरे वहां क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना, देखो। पता नहीं क्या हो गया। और ये भी देखो, यहाँ पे भी पानी नहीं आ रहा है। अरे अरे कट गया। रुको, मैं अभी आता हूँ। क्या कर रहे तू यहाँ पर? वो हम टंकी ठीक कर रहे हैं। चल बाहर निकल। अरे बाहर निकल, मैंने बोला ना। अरे हम खुद थोड़ी ना आए, मैडम जी ने बुलाया था हमको। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? तुम ऑफिस क्यों नहीं गए? मेरी गाड़ी के चारों टायर की हवा निकाल दी थी किसी ने, ऑफिस ही नहीं गया मैं। चलो बाहर निकलो तुम। अरे बाहर निकलो। अरे कैसे बात कर रहे हैं आप हमसे? सोहम ये क्या कर रहे हो तुम? चलो जाओ। मैडम जी ठीक है हम। सोहम मेरी बात तो सुनो। क्या हो गया है सोहम तुम्हें? क्यों कर रहे हो उस पे इतना गुस्सा? जूही, जूही तुम्हारे कपड़े को छू रहा था। वो इंसान अच्छा नहीं हो जूही, उसकी नीयत ठीक नहीं है। गलती से हाथ लग गया होगा, वो ऐसा क्यों करेगा? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? और ये बताओ, तुम्हारी गाड़ी के टायर की हवा किसने निकाली? जूही मुझे उस बकरी पे ही शक है, ये सब कुछ उसी ने ही किया। कल रात को डांटा था ना मैंने उसे, ये उसी वजह से किया उसने। और पता नहीं क्यों पहले दिन से वो इंसान मुझे सही नहीं लग रहा है जूही। तुम एक काम करो, तुम्हारे बिल्डिंग के सेक्रेटरी को आज ही फोन करो इसके बारे में। अरे बद्री। जी साहब जी। कैसा चल रहा है सब? ठीक है? जी मालिक सब ठीक है। क्या हुआ? मालिक एक बात कहें आपसे। हाँ कहो। मालिक वो 103 में वो जूही जी है ना? क्या हुआ जूही को? उनके साथ में उनका भाई है क्या वो? हाँ हाँ वो उसके कजन है, वो कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आया हुआ है। हम उनका नल ठीक करने गए थे तो वो दोनों चिपके हुए थे। ये क्या कह रहे हो? जी साहब जी। हाँ हमारी संस्कृति में ये सब नहीं है, हमने पता नहीं क्या देख लिया। आप किसी से कुछ कहिएगा मत। अब पता चलेगा बेटा कौन किसको घर से बाहर निकालेगा। अरे चौहान अंकल आप आइए ना। कौन है जूही? आइए अंकल। अच्छा हुआ आप आ गए। अंकल मुझे आपसे ना उस बद्री की शिकायत करनी थी। पहले तुम ये बताओ कि तुम हो कौन? तुम जूही के ममेरे भाई हो या जूही के चचेरे भाई? वो अंकल बताया तो था मेरा कजन है। जूही तुम अपने पेरेंट्स को फोन लगाओ और मेरी बात कराओ, मैं देखता हूँ कौन सा कजन है तुम्हारा। अरे लगाओ फोन, झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें डे वन पे मैंने बताया था जब तुम्हें सोसाइटी में रहने के लिए आई थी कि यहाँ पर बॉयफ्रेंड के रहना मना है।
वो अंकल, इसके फ्लैट में कुछ काम चल रहा है, कुछ ही दिनों में वापस चला जाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। इसको आज के आज इस फ्लैट से जाना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स से फोन करके बात करूंगा। सोहम, सोहम मेरी बात तो सुनो। जूही, सारी गलती तुम्हारी है, पता है? तुम्हें उसको बताना ही नहीं चाहिए था मैं तुम्हारा कजिन हूँ। और झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अब बोल दिया, मुझे क्या पता ये सब हो जाएगा। उस सेक्रेटरी को पता कैसे चला? लेकिन ये जरूर उस पत्री की हरकत है, उसी ने किया ये सब कुछ। तुम हर बात पे उसे क्यों ब्लेम करते हो सोहम? तुम्हें बड़ी दया और प्यार आ रहा उसके ऊपर? सोहम मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है जूही। इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हो? मुझे कुछ नहीं सुनना है जूही। सोहम, क्या हुआ जूही जी, कोई दिक्कत है क्या? तो क्या हुआ जूही जी, अगर आपका सनी चला गया तो आपका शाहरुख तो है। ए जूही जी, देखा ना, हम आ गए आपके पास। ए जूही जी, क्या हम आपके बाजू पर सरक के सो जाएं? पर हमको बहुत शर्म आ रही है आपके पास आने में। ए जूही जी, हम आपके इतना करीब कभी आए नहीं है ना, बहुत शर्म आ रही है हमको। सोहम, तुम इतने परेशान क्यों हो? हम बैठ के बात कर लेंगे ना सोहम। हाँ, वो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था उस टाइम पे। एक मिनट, दरवाजे पे कोई है। हाँ बोलिए। मैडम जी, गैस की रीडिंग लेने आए थे। आइए। वो रहा मीटर। हाँ बोलो। मैंने अपने फ्लैट ओनर को नोटिस दे दिया है, तुम भी जल्दी से फ्लैट ले लो, मैं 10 दिन में तुम्हारे साथ रहने आ रही हूँ, ठीक है? वैसे भी मेरी सोसाइटी में लिविंग में रहने में कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा सुनो, आई लव यू। आई लव यू टू। तुम अभी तक गए नहीं? मैडम जी, एक बात कहनी थी। आप घर छोड़कर मत जाइए। मतलब तुम मेरी बातें सुन रहे थे? और ये मेरी मर्जी है मैं घर छोड़कर जाऊं या नहीं? तुम कौन होते मुझे बोलने वाले? हम तो बस कह रहे थे मैडम जी, वो आदमी ठीक नहीं है जिसके आप आगे पीछे घूमती रहती हैं। क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? हमारा तो ठीक है, शायद आपका ठीक नहीं है। मैडम जी, हम आपके अपने हैं, पता है? हम अपनापन महसूस करते हैं जब आप हमारे आसपास रहती हो। अगर एक लफ्ज भी कुछ बकवास की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकलो यहाँ से, वरना मैं चिल्लाऊंगी। नहीं नहीं मैडम जी, चिल्लाइए मत। निकलो। नाराज मत हो आप, चलो, सॉरी, जाइएगा मत आप। बद्री कहाँ है? वो अपने कमरे में साहब। अरे बद्री, अरे अरे, अरे क्या छोड़ेंगे नहीं तू? क्या बोला तरीका भैया? क्या बोला था तू जूही से? क्या मैं खराब आदमी? अरे हाँ? अरे कुछ चूतरा से मारेंगे तुमको आज। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है साला? हाँ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? अरे हमने कुछ नहीं बोला, देखिए क्या कर रहे हैं साहब। वो 103 नंबर में सोहम साहब रहा ना? हाँ हाँ, क्या हुआ? वो बद्री के कमरे की तरफ गए हैं और बहुत ही गुस्से में थे। छोड़ूंगा नहीं मैं इसको। अरे मार देंगे। सोहम, ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? जूही, मैंने कहा था ना तुमसे,
ये आदमी गड़बड़ है। साहब हमने कुछ नहीं किया। ये कहां से मिली तुझे? हाँ कहां से मिली तुझे ये? अरे सूखते में गिर गई होगी। साहब हम देने जा रहे थे, सोचे अभी देके आते हैं। ये नाइटी तुम्हारी है ना? हाँ ये मेरी है, मैं दो दिन से ढूंढ रही थी इसे। ये लड़कियों के नाइटी चुराता ये। अरे साहब हम तो हमेशा इनकी मदद करते हैं, हम तो देकर आते हैं। जूही जी दिया था ना आपको? अंकल ये एक नंबर का अजीब लड़का है, कुछ भी बहाना करके फ्लैट में घुस आता है, कभी पानी बंद कर देता है तो कभी बिजली। सोहम तुम पुलिस को फोन करो। हाँ। ये तभी सब सच सच बताएगा। एक मिनट, आपसे पहले ये सोसाइटी का मामला है, आप लोग तो वैसे भी फ्लैट खाली करके जा रहे हैं ना, हम लोग इसे पुलिस के हवाले करते हैं, एक्शन लेंगे हम लोग इसके खिलाफ। चुप कर। देखिए सर मुझे ये आदमी आज के बाद सोसाइटी में नजर नहीं आना चाहिए। नहीं दिखेगा, पर फिलहाल आप लोग यहाँ से जाइए, क्योंकि अगर ये बात सोसाइटी में फैल गई तो सोसाइटी की बहुत बदनामी होगी। आप जाइए मैं देख लूंगा। इसीलिए मुझे सर आपकी सोसाइटी की सिक्योरिटी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, और मैं जूही को छोड़ के तब तक नहीं जाऊंगा जब तक हम लोग यहाँ से शिफ्ट नहीं करते। चलो जो सब ये झूठ बोल रहे हैं, सब ये झूठ बोल रहे हैं। चुप कर। मैंने कहा था ना तुम्हें वो आदमी तुम्हारे कपड़े देख रहा था, उसी दिन शक हो गया था मुझे उसके ऊपर। सॉरी सोहम, मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा, मैं उसे नहीं पहचान पाई। चौहान जी का कॉल आ रहा है। उठाओ उठाओ। हेलो हेलो। हाँ जूही तुम परेशान मत हो ना, मेरी पुलिस से बात हो गई है, हम लोग इसे पुलिस के हवाले कर रहे हैं। थैंक यू चौहान जी, ऐसे आदमी का बाहर रहना ठीक नहीं है। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। थैंक गॉड। आगे से ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगी, और ऐसे लोगों को तो कभी मुंह नहीं लगाऊंगी। साहब साहब भगवान के लिए छोड़ दो साहब, साहब हमने और कुछ नहीं किया, वो झूठ बोल रहे थे। तू अपना सामान बांध और तुरंत निकले यहाँ से, निकले इधर से। हाँ हेलो विनोद, मालूम पड़ा तुम्हारे भाई बद्री ने क्या किया है यहाँ पे? हाँ साहब हमारी गलती है, हमने उसे नौकरी पे लगवाया था, हमें माफ कर दीजिए साहब। हम लोग इसे पुलिस के हवाले कर रहे हैं, तब समझेगा इसे। आप एक काम कीजिए, नौकरी से उसे निकाल दीजिए, लेकिन पुलिस के हवाले मत कीजिए साहब, हम माफी मांग रहे हैं ना आपसे। ठीक है तुम कहते हो तो छोड़ देते इसको, वरना इसे अंदर करवाते और एक्शन लेते हम इस पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुन अपना सामान बांध और निकल तुरंत यहाँ से। नहीं 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 साहब, सब अब रात होने वाली है, अब कहाँ जाएंगे हम अभी? देखो आप ही बताइए। बाहर निकाल इसको, निकल चल चल निकल यहाँ से। बिल्डिंग के सेक्रेटरी बद्री को काम पर रखते वक्त एक गलती कर चुके थे, और अब दूसरी उससे भी बड़ी गलती करने जा रहे थे, क्योंकि सोसाइटी का नाम खराब ना हो इसलिए उन्होंने बद्री को पुलिस में नहीं सौंपा और उसे डांट डपट कर सोसाइटी से निकलने को कहा। अब एक खतरनाक प्रवृत्ति का आदमी जिसकी जगह जेल में होनी चाहिए थी वो बाहर था। क्या जूही और सोहम पर से खतरा टल गया था, या भी कुछ और भी होने वाला था? भैया प्लीज माफी दिलवा दो हमें, हमने आपकी बहुत बेइज्जती करा दी। देखो आज के बाद हमें फोन मत कर देना, बस बहुत हो गया। जो तुम्हारे मन में था सब कर दिया तुमने, और हम तुम्हारी सूरत तक नहीं देखना चाहते, घर वापस मत आना समझे? रख दिया साले ने, साले तुझे बताएंगे अब। तुझे तो बेटा सन्नी हम जरूर बताएंगे, बहुत बेइज्जती करवा दिया रे हमारा, छोड़ेंगे नहीं तुझे। जूही सोहम जल्दी चलो। क्या वो क्या हुआ? वो बद्री वापस आ गया। बद्री जल्दी चलो यहाँ। जूही कहाँ यहाँ कहाँ आए? जूही ये देखो, जूही कोई नहीं है वहाँ पर। जूही नहीं, मैंने अभी वहीं देखा था, वहाँ रोड पे खड़ा था। जूही जूही यहाँ देखो, गलतफहमी हो रही है तुम्हें, कोई नहीं है वहाँ पर। अरे चौहान साहब तो उसको जेल भी भिजवा चुके हैं ना। हाँ तुम टेंशन मत लो ठीक है, लेकिन तुम शाम को जल्दी आ जाना, हम शाम को कहीं डिनर पे चलेंगे। डन, अभी लेट हो रहा है, चलूं? ठीक है बाय बाय।
आज तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएंगे जूही। लाइट कैसे चली गई? ये पर्दे किसने बंद किए? चिल्ला मत, अगर एक आवाज और निकाली ना तो ये घुसेड़ देंगे। मतलब हमको प्यार करने नहीं दोगी ना? वो सनी का प्यार बहुत अच्छा लगता है। शाहरुख को भी मौका दो ना जूही जी। बस हम प्यार करने आए, तुम्हें कुछ करने नहीं आए। बस थोड़ा सा प्यार करेंगे, प्यार करने दो ना। छोड़ो मुझे। जूही जी, वो आपकी वो नाइटी कहाँ पर है? वही गुलाबी वाली कहाँ पर है? वहां पर है? हाँ? नहीं, हिलना मत। जूही जी, पहनो ना एक बार, हमको बहुत मन कर रहा है आपको इस नाइटी में देखने का। इस गरीब का भला हो जाएगा, प्लीज। लगता है वॉलेट घर पे ही भूल गया मैं। The number you have called is currently switched off. कमाल है, फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है उसका? कहीं जूही को सुंदर, बहुत खूबसूरत लग रही हो जूही जी, लेकिन इससे ज्यादा खूबसूरत तुम बिना इस नाइटी के लग रही। लेकिन हम क्या करें, हमारा मूड तुम्हें इस नाइटी में देख के ही बनता है। वाह वाह, आओ। अरे ना, ऐसे नहीं मानोगी तुम, तुम्हारा कुछ करना पड़ेगा। तुम नाराज हो हमसे? ऐसा क्या है सनी में जो शाहरुख में नहीं है? मान जाओ ना, कब से बोल रहे हैं प्यार करते हैं, करने दो प्यार। आहा।
ये हैं हम और ये हैं हमारी जूही जी। जूही जी, और आज हमारा पहली बार है। हिलो नहीं, देखो देखो वीडियो बन रहा है। जूही, जूही जी, रुको रुको, अभी रुको, अभी रुको, हम देखते हैं। जूही, तुमको कितनी बार बोला है कि मुझे फोन मत करो। अरे बद्री, तुम्हारा आशिक था सोहम, अब हम और तुम जूही और कोई नहीं आएगा। बद्री, चाचा जूही कहीं पर गई है क्या? साहब हमने ध्यान नहीं दिया, देखे नहीं हम कहीं। घर पर नहीं है वो, बेल भी नहीं चल रही और मैंने दरवाजा खटखटाया लेकिन वो जवाब नहीं दे रही है और उसका फोन भी बंद आ रहा है उसका। अच्छा, हेलो। हाँ पाल चाचा, जरा जूही मैडम के घर पर जाकर देखो, मुझे लगता है कि बद्री उसके घर में घुस गया। बहुत गर्मी है तुम में, अब तो और मजा आएगा। जूही, जूही, छोड़ छोड़ उसको। अरे हमने कुछ नहीं किया। नरक में सड़ेगा तू। चलो रे, लेके चलो उसको। विनोद और वॉचमैन पाल सिंह की अकलमंदी ने बद्री के मंसूबों पर पानी फेर दी और समय रहते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बद्री पर आईपीसी की संबंधित धाराएं लागू हुई और फिलहाल उस पर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। हम अपनी जिंदगियों में इतने मशगूल हो जाते हैं कि कई बार हम आसपास के खतरों को भांप ही नहीं पाते। हमारी गुजारिश है आप सभी से कि आप अपने आसपास हो रही छोटी से छोटी घटनाओं को भी अनदेखा ना करें और किसी भी संदेहास्पद इंसान पर नजर पड़ते ही तुरंत पुलिस की मदद लें। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड से विदा लेता हूं। बुराई और बुरे लोगों से बचने की सलाह देती और हर जुर्म से आपको अलर्ट कराती एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ, क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।